हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे कि अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है कि क्या हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि पहले हमें कुछ फैक्ट जानना जरूरी है आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में। जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी केवल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो रेगुलेटेड होती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर। उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है और सेल होती है वो रेगुलेटेड नहीं होती, तो उसके लिए हमें किसी प्रकार के ड्रग लाइसेंस की तो जरूरत नहीं होती। फिर भी क्या होता है कि कुछ जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है, सेलिंग वेबसाइट्स है, वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को फूड की कैटेगरी में रख लेते हैं। उनका मानना होता है कि जितने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं वो फूड ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हब से बने होते हैं, तो वो उसको फूड की कैटेगरी में ही रख लेते हैं। तो वो फिर उसके लिए आपसे FSSAI रजिस्ट्रेशन मांग सकते हैं। वैसे जनरली उस कैटेगरी में नहीं आता, फिर भी हम उसको रख लेते हैं, क्योंकि कुछ गलत बात नहीं होती। क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन को मेडिसिन का दर्जा तो नहीं है, वो अल्टरनेटिव मेडिसिन में आते हैं। और अगर हम बाहर फॉरेन्स की बात करते हैं तो फूड में ही आते हैं, फूड सप्लीमेंट में ही आते हैं। तो अब भी कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स उनको फूड सप्लीमेंट में भी रख लेती हैं, तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन वो मांग सकती है। कुछ नहीं भी मांगती तो भी चलता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ना भी लेंगे तो, और नहीं मांग रही है तो भी कोई इशू आने वाला नहीं है उसमें। दूसरा ये होता है कि जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है वो OTC ड्रग्स होती है, उनके लिए हमें किसी प्रकार की मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। मेडिकल प्रैक्टिशनर से जो प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने की जरूरत नहीं होती, उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल आउट किया जा सकता है। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसे होते हैं जिनके सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो वहाँ पे मेडिकल सुपरविजन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए मेडिकल सुपरविजन की भी जरूरत नहीं होती, तो उसको भी हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम सेल आउट कर सकते हैं। तो एक मेन चीज़ आपको जो जरूरत पड़ेगी वो GST नंबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम कोई भी इंडिया में कोई भी चीज़ ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो हमें GST नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को भी अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो आपको GST नंबर की जरूरत वहां पे भी पड़ेगी। मेजर आपके लिए GST नंबर ही जरूरत होगा, और आप बिना किसी इजक के, बिना किसी ज़्यादा प्रॉब्लम के, जिस भी सेलिंग वेबसाइट से आप बेचना चाहते हैं उसकी जो भी टर्म कंडीशन है उसके हिसाब से आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।